हेलो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम हैश समेशन लॉग के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं हैश समेशन लॉग होता क्या है। हैश लॉग कहता है कि किसी भी रिएक्शन को यदि हम सिंगल स्टेप में करें या फिर मल्टीपल स्टेप में करें तो दोनों के केस में टोटल एंथैल्पी चेंज सेम रहेगा। या फिर हम दूसरे टर्म में बोले कि सिंगल स्टेप में जितनी एंथैल्पी चेंज होगी वह मल्टीपल स्टेप में सारे एंथैल्पी चेंज के सम के इक्वल होगी। तो चलिए इसे हम इस एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल में हमें ए से बी बनाना है। ए से बी हम डायरेक्टली बनाते हैं तो एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच आती है। यदि हम ए से पहले सी बनाएं जिसमें एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच वन होता है, सी से डी बनाएं जिसमें एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच टू होता है, और फिर फाइनली डी से बी बनाएं जिसमें एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच थ्री होता है, तो हैश लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री के इक्वल होगी। तो चलिए इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि हमें वाटर गैस बनाना है। वाटर गैस कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होती है। वाटर गैस को हम डायरेक्ट कार्बन वाटर और ऑक्सीजन की रिएक्शन से भी बना सकते हैं जिसमें एंथैल्पी चेंज -393.5 किलो जूल होता है। वहीं अगर हम इस रिएक्शन को दो स्टेप में ब्रेक करके करें जिसमें पहले स्टेप में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराकर वाटर बनाएंगे और दूसरे स्टेप में कार्बन और वाटर की रिएक्शन कराकर हम वाटर गैस फॉर्म करेंगे। पहले स्टेप में एंथैल्पी चेंज -483.6 किलो जूल आती है जबकि दूसरे स्टेप में एंथैल्पी चेंज 90.1 किलो जूल आती है। इस पूरे प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज को निकालते हैं तो ये दोनों एंथैल्पी के सम के इक्वल होगा। तो यह सॉल्व करने पर भी हमें -393.5 किलो जूल एनर्जी ही मिलती है। तो हम देख सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट सेम है तो सिंगल स्टेप में जितनी एंथैल्पी चेंज हो रही है वो मल्टीपल स्टेप्स में एंथैल्पी चेंज के सम के इक्वल आती है।